स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। आज के वीडियो में हम सेम एग्जांपल के थ्रू हम ये समझेंगे कि इन सारे चीजों का जर्नल एंट्री किस तरीके से पास किया जाता है। कल हमने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आज हम सीखेंगे सेम एग्जांपल की मदद से जर्नल एंट्री। ठीक है, देखो यहां पर है सिम एंड हैरी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017, यानी 1 अप्रैल 2017 को सिम एंड हैरी ने पार्टनरशिप का एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने कैपिटल लगाया, कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। सिम ने किया 5 लाख का कैपिटल कंट्रीब्यूट और हैरी ने किया आपका 2 लाख का। ठीक है, इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? इसका जर्नल एंट्री बन जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू सिम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू हरीश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद आगे है हरीश आल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल। कब कंट्रीब्यूट किया? 1 जुलाई 2017 को। सेम जर्नल एंट्री आपका पास होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कौन कैपिटल लेकर आया एडिशनल कैपिटल, तो हरी लेकर आया है 1 लाख का एडिशनल कैपिटल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हरीश कैपिटल अकाउंट, ये आपका जर्नल एंट्री पास होगा 1 लाख से। आगे देखते हैं दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन दी रेशियो 3:2। वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को किस रेशियो में बांटते हैं? 3:2 के रेशियो में। कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है, देखते हैं क्या क्या है। सिम एंड हरी ईच हर एक को क्या मिलता है? आर अलॉटेड अ सैलरी, सैलरी मिलता है। कितना मिलता है? 5,000 रुपए पर क्वार्टर, यानी हर 3 महीना में उनको 5,000 रुपए का सैलरी मिलता है। किसको? सिम एंड हरी को सैलरी दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, कितना दिया है? 8% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो चार्ज किया जाएगा वो है 10% पर एनम। ड्रॉइंग कितना कितना है? तो सिम ने जो ड्रॉइंग किया है, जो पैसा निकाला है बिजनेस से वो है 12,000 रुपए, और जो हरी ने पैसा निकाला है वो है 10,000 रुपए। ठीक है, लिखता है कि प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना हुआ बिजनेस को। तो जो प्रॉफिट हुआ वो हमको किससे पता चलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलेगा कि प्रॉफिट हमको कितना हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको पता चला कि हमारा जो प्रॉफिट है वो क्वेश्चन आपका गिवन है 1,96,000 का आपका प्रॉफिट हुआ। अब हम आते हैं जर्नल एंट्री पे। बोलता है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का जो एप्रोप्रिएशन किया गया, जो बंटवारा किया गया है इस वाले प्रॉफिट का, उसका जर्नल एंट्री पास करके कैसे पास किया जाता है वो हम देखेंगे। आइए सबसे पहले यहां देखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे ट्रांसफर किया गया है इसको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा है उसमें प्रॉफिट कितना हुआ? 1,96,000 था। इसको ट्रांसफर कहां किया गया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कल के वीडियो में आप देख लेना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, ट्रांसफर किस तरीके से किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है आपका, वो जो प्रॉफिट है 1,96,000 का, वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? देखो यहां पर छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने बनाया है क्लास 11 में, ठीक है, तो यहां पर आपका आया है नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट आपका यहां पर आया है। ये नेट प्रॉफिट जो है आपका, ये डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस है? आया किसकी वजह से? आपका इनकम ज्यादा हुआ ना, इसकी वजह से नेट प्रॉफिट आपका डेबिट साइड दिखेगा, लेकिन है ये क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो जो कि क्रेडिट बैलेंस है आपको ट्रांसफर करना है इस नेट प्रॉफिट को, यानी नेट प्रॉफिट आपका हुआ यहां पे कितना? 1,96,000 रुपीज। इसको कहां ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ये क्रेडिट बैलेंस है। जब भी आप किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हो तो वो अगर क्रेडिट है तो वो डेबिट हो जाएगा, और डेबिट है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। यहां पर ये क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये क्रेडिट बैलेंस है, इसको ट्रांसफर करना है, तो इसको उठाकर डेबिट करेंगे। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको क्रेडिट है, ये उठाकर इसको क्या कर दिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट है, इसको उठाकर डेबिट कर दिए, और
जब ये डेबिट कर दिए इसको उठा करके, तो ये कहां ट्रांसफर है, इसका जगह खाली हो गया, इसका जगह खाली हो गया ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जगह यहाँ खाली हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यहाँ अकाउंट लिख देंगे, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और नाम किसका जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिख देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। ठीक है, दूसरा अब है आपका ट्रांसफर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। दूसरा है आपका सैलरी मिला अकाउंट आपको, ठीक है, सैलरी बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस को सैलरी देना पड़ रहा है ऑनर को, यहां पर ऑनर की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस के लिए नॉमिनल अकाउंट के रूप से डेबिट और एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट के रूप से डेबिट और एक्सपेंस, सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, इसके लिए एक्सपेंस है, तो बिजनेस के लिए, तो इसके हिसाब से हम सैलरी के अकाउंट को डेबिट किए। अब यहां पर हमको सैलरी को किसको देना है, तो पार्टनर को देना है, अगर स्टाफ को देना रहता तो यहां सिर्फ कैपिटल अकाउंट एंड हरी कैपिटल अकाउंट ना लिखते, अगर स्टाफ को देना तो यहां पर हम क्या लिखते थे, क्लास 11 में याद करो, यहां पर हम लिखते थे कैश अकाउंट, लेकिन चूंकि हम पार्टनर को दे रहे हैं तो पार्टनर कहां रखेगा इस सैलरी को, उसके कैपिटल अकाउंट में रखेगा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सिर्फ कैपिटल अकाउंट टू हरी कैपिटल अकाउंट, ये हमने इसको सैलरी दिया। सैलरी कैसे दिया मैंने, 5000 का सैलरी था पर क्वार्टर, तो इंटू फोर कर लेंगे, एक साल का सैलरी कितना हो जाएगा, 20000 रुपए सिर्फ का, और 5000 इंटू फोर हरीस का कैपिटल कितना हो जाएगा, सैलरी कितना हो जाएगा, 20000 रुपए, ये सैलरी दिया गया, किसको दिया गया, पार्टनर्स को दिया गया। अब इस सैलरी को ट्रांसफर करना है, कहां ट्रांसफर करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सैलरी यहां पर डेबिट है, अभी मैंने आपको बताया कि जो डेबिट है अगर किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और अगर क्रेडिट है तो वो डेबिट हो जाएगा, तो सैलरी अभी डेबिट है फिलहाल, इसको उठा के क्या कर देंगे, देखो ये सैलरी पार्टनर्स सैलरी अकाउंट 40000 रुपए है, 40000 रुपए डेबिट में है, उठा के इसको कर दो, यहां पर देखो नीचे क्रेडिट कर दो, क्रेडिट कर दिए सैलरी पार्टनर्स सैलरी अकाउंट को, और ये ऑटोमेटिक अब कहां ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर को हम कर देंगे। सैलरी को उठा करके डेबिट था, क्रेडिट किए, सैलरी का डेबिट का जगह खाली हो गया, यहां पर हम लिख दिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑटोमेटिक ये इस अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। सैलरी कितना है टोटल दोनों का, 40000 रुपए, 40000 रुपए ट्रांसफर कहां हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब सैलरी हो गया, और बिजनेस को क्या देना था, देखो यहां पर सैलरी दे दिया गया है, सैलरी के बाद अब देना होगा बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल जो लगाया है वो शिव ने 5 लाख का कैपिटल लगाया है एंड हरी ने 2 लाख का कैपिटल लगाया है, एक बात और ध्यान में रखना 1 लाख का हरी ने एडिशनल कैपिटल भी लगाया है, कल के वीडियो में हमने आपको कैलकुलेशन सिखा दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, देखो यहां पर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी जो पार्टनर से कैपिटल लगाया है वो बिजनेस को इंटरेस्ट उसके बदले देना पड़ रहा है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, देना पड़ रहा है पार्टनर्स को। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट रूल से, डेबिट और एक्सपेंसेस, इसलिए ये डेबिट हुआ, ये किसको दिया जाएगा, ये दिया जाएगा आपको पार्टनर्स को, पार्टनर कौन है, शिव एंड हरी, कहां पर दिया जाएगा, तो इसके कैपिटल अकाउंट में दिया जाएगा, कैपिटल अकाउंट में उसको हम रख देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट हो गया, और हम देंगे किसको, तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट एंड हरीस कैपिटल अकाउंट में इसको दे देंगे। कितने कितने का कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो 40000 का और 22000 रुपए का। ठीक है, इसके बाद इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो ट्रांसफर कर दिया, देखिए सिर्फ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, सिर्फ के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कितने से, 40000 से, एंड हरी के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 22000 रुपए से, और नाम किसका जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कल के वीडियो में आप देख लेना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हमने बनाया है। इसके बाद ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां ट्रांसफर करना है, इसको ट्रांसफर कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में।
डेबिट है, डेबिट उठा के क्रेडिट कर देना होगा ट्रांसफर करने के लिए। ट्रांसफर करते हैं, देखिए डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है, उठाकर यहां पर इसको क्या कर दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिए, कितने से 62,000 से क्रेडिट कर दिए। कहां ट्रांसफर करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखिए डेबिट से उठा के क्रेडिट किया, डेबिट में जाकर खाली हो गया, यहाँ पे जिस भी अकाउंट को आप रख देगा वहां ट्रांसफर हो जाएगा। हमको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो हम यहाँ पे लिख दिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये ऑटोमेटिक कहां ट्रांसफर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस जनरल एंट्री से आप बना सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट है 62,000 से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे 62,000 से, और नाम क्या जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसका किसका कैपिटल है तो सिर्फ कैपिटल, सिर्फ का कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और हरी का है उसका नाम लिख देंगे। तो ये ट्रांसफर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जनरल एंट्री कैसे पास किया जाता है। यहां पे आप देखोगे ड्राइंग्स जो है आपका सिर्फ एंड हरी का कितना है, सिर्फ का 12,000 है और हरी का 10,000 है। इस पे आपका जो इंटरेस्ट है वो है 10% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट क्यों हुआ, क्रेडिट होने का रीजन है कि ये बिजनेस के लिए फायदा है, ठीक है, बिजनेस के लिए फायदा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स ने पैसा निकाला, अब पार्टनर्स को बिजनेस को एज ए इंटरेस्ट देना होगा, तो ये इंटरेस्ट बिजनेस के लिए फायदा है। इसीलिए नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट ऑल इनकम जो है वो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट कर दिए, क्योंकि बिजनेस के लिए ये फायदा है, इनकम है, ठीक है। ये जो इंटरेस्ट ड्राइंग्स है ये कहां से लिया जाएगा, इसके लिए हमको करना होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहां से चार्ज किया जाएगा, ये किया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से चार्ज किया जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 600 रुपए से, और हरी के सिर्फ के कैपिटल अकाउंट को डेबिट और हरी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से, 600 से और 500 से। इसका कैलकुलेशन मैंने आपको कल ही बताया था कि 12,000 रुपए इसने ड्राइंग किया था, रेट कितना था 10%, ठीक है। और यहां पर आपके क्वेश्चन में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि ये ड्राइंग कब किया, अप्रैल में किया, मई में किया, जून में किया, मंथ के शुरुआत में किया, मंथ के लास्ट में किया, कब किया ये नहीं दिया हुआ। तो ऑन एवरेज हम मान लें कि साल के बीच में इन्होंने क्या किया था, ड्राइंग किया था, तो 6/12 इनका 600 रुपए आ जाएगा। इसका ड्राइंग था हरी का 10,000 रुपए का ड्राइंग है 10% के रेट से, इसका भी 6/12, तो 500 रुपए इसका और 600 रुपए इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया गया। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 600 से 500 से, और नाम किसका जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कल के आप वीडियो में देख लेना, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को अब ट्रांसफर करना है, कहां करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसको अपना साइड छोड़ना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कि यहां क्रेडिट में दिख रहा है इसको उठाकर हम कर देंगे डेबिट में, कर दिए यहां उठा करके डेबिट में। जैसे ये डेबिट, ये क्रेडिट का जगह खाली हो गया, अब यहां पर जिस अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना होगा वो अकाउंट का यहां पर आप नाम लिख दो। फिलहाल हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ये डेबिट हो गया, इसको ट्रांसफर हम कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, कितना 1100 रुपए टोटल, कितना है आपका 1100 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका, ठीक है, ये ट्रांसफर हो गया। अब कल के वीडियो में आप देख लेना कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, सब कुछ प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद लास्ट में प्रॉफिट बच गया, कितना प्रॉफिट बच गया 90, यहां पर देखना हाँ 95,100 रुपीज का प्रॉफिट रिमेनिंग बच गया। ये किसका प्रॉफिट है, ये भी पार्टनर्स का ही प्रॉफिट है, और इसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 95,100 रुपीज जो कि आपका प्रॉफिट है वो आपके डेबिट साइड में दिख रहा होगा,
लेकिन ये है कौन सा बैलेंस, कल के वीडियो में आप देख लेना, ये 95,100 रुपीज कहां दिख रहा है, ये आपका डेबिट साइड दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि ये आया किसकी वजह से है, क्रेडिट के साइड से, क्रेडिट की वजह से आया, क्रेडिट का साइड ज्यादा हो गया, इसकी वजह से आपका ये प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 95,100 का प्रॉफिट हुआ, जिसमें से अब इस प्रॉफिट सेविंग रेशियो कितना है, यहां देखिएगा 3:2 का आपका रेशियो है, प्रॉफिट सेविंग रेशियो इस रेशियो में बढ़ जाएगा। किसमें किसमें बढ़ जाएगा, दो पार्टनर है सिप एंड हनी, इनमें बांट दिया जाएगा। तो देखो 95,100 रुपीज को कितने भागों में बांट देंगे, पांच बराबर भागों में बांटेंगे, जिसमें से तीसरा हिस्सा किसका होगा, तीन हिस्सा आपका सिप का होगा। तीसरा हिस्सा कितना है, पांच बराबर भागों से तीन हिस्सा कितना हो गया, 57,060 रुपीज, ये हो गया आपका सिप का। और हरी का कितना हो गया, 95,100 से 2/5, 38,040 रुपीज, ये किसका हो गया आपका, ये हरी का हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट 95,000 क्रेडिट बैलेंस है, इसको उठा करके डेबिट कर दिए। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट को हम डेबिट करके ट्रांसफर करने के लिए, ये ट्रांसफर किसमें हो गया, सिप में, सिप के कैपिटल अकाउंट में और हरी के कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में क्या एंट्री पास करेंगे, हम एंट्री पास कर देंगे 57,060 रुपीज, सिप के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा 38,040 रुपीज, हरी के कैपिटल अकाउंट चला जाएगा और नाम किसका रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पर आपका ये जनरल एंट्री कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और देखेंगे।